ये ए बी ई है, तो जो केंद्र अपन को दिया गया इनमें दिए गए क्षेत्र में ए सी बराबर ए और ई, ये ए और सी ये भुजा और ए और ई ये बराबर बराबर दे रखी है अपन। दूसरा दिया गया है आपको ए बी बराबर ए डी, ए बी और ए और डी ए और डी ये भुजा बराबर बराबर दे रखी है। तथा आपको दिया है कोण बी ए डी, बी ए डी यानी ये आपका कोण से आता, और कोण ई ए सी, ई ए और सी ये दिया गया है। लेकिन हमको ध्यान रखने की चीज ये है इसमें, अब ये जो ए बी सी में जो बी ए सी को मैं ये इसमें ये कौन होगा बीच वाला हिस्सा कौन बी ए सी, ये जोड़ते ये तो कौन बी ए सी बन गया। ऐसे ही इसमें कौन ई ए सी में अगर बी ए सी जोड़ेंगे तो कौन ई ए डी ये पूरा कौन बन जाएगा। तो ये जो उभयनिष्ठ कौन है ये दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो बीच में ये कौन हो जाएंगे और दो भुजाओं में कौन हो जाएगा में। तो इसको हल करने के लिए अपन लेते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज त्रिभुज ए बी ई में, ये दोनों त्रिभुजों में तुलना करते हैं। तो हमारे पास इसमें जो क्षेत्र करने वाली ऊर्जा बी सी भी आ जाएगी तो त्रिभुज भी तो, और इसकी आ जाएगी डी और ई, ये अपन को सिद्ध करना है। तो इसमें ध्यान दीजिए अपन को दिया गया ए सी बराबर ए और ई, ये तो आपको दिया दिया ए दे रखा है कौन अपन को कौन ये दे रखा है बी ए डी कौन बी ए डी दिया हुआ है। इसमें अपन कौन को बी ए सी जोड़ेंगे बराबर कौन ई ए सी दिए हैं, इसमें भी कौन बी ए सी जोड़ेंगे तो ये तो कौन बन गया है कौन बी ए सी बराबर कौन ये बन गया है ई ए डी, ये तो कौन बन गया इसमें ये यानी इस कौन को हमें जोड़ देंगे। ए दिया है आपको दूसरे क्या के ए बी बराबर ए और डी, अपने देखा दो भुजाओं बीच का पूरा पूरा कौन आ गया तो अपन ध्यान रहेंगे इसमें रख जाएगा एस ए एस ये नियम से त्रिभुज ए बी सी समान सम त्रिभुज ए बी ई ये दोनों त्रिभुज लगे। तो अब जब हमको पता है सीधी सीधी ये कहती है भाई सीधी सीधी के नियम से दो त्रिभुज समान सम हो तो उनके प्रत्येक अंग समान इसमें मुख्य बात ये देख देती है हमको। अब हमको ये आगे आगे कौन दिया है इसमें जो बीच का उभयनिष्ठ कौन है ये बी ए सी ये दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तब जा करके ये कौन बनेंगे ये बी ए सी बी ए सी उभयनिष्ठ कौन है ये इसको यहाँ भी लिख सकते हैं कौन बी ए सी उभयनिष्ठ कौन सर्वांशम हो गया कि तब जाकर के आगे सिद्ध होगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6।